नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स फॉर वेल्थ में। ये वीडियो आपको जीएसटी की राह में आपका दोस्त मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर भी आपको अवेलेबल होगा। आज जो टॉपिक है वो एक अनछुआ अनजाना पहलू है जीएसटी में, और वो है नॉन कम्पीट फीस पर। नॉन कम्पीट फीस क्या होती है पहले तो ये हमें समझना चाहिए दोस्तों। नॉन कम्पीट फीस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नॉर्मली इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ बिजनेस, जहां पर बिजनेस सेलर जो है बायर ऑफ बिजनेस के साथ एग्रीमेंट करता है कि जो सेलर ऑफ बिजनेस है वो उस सिमिलर सेम बिजनेस में अगले 3 साल या 5 साल तक एंटर नहीं होगा, उसके इंप्लॉयज और कस्टमर्स की पोचिंग नहीं करेगा, और उसके बदले में जो बायर ऑफ बिजनेस है उनको कुछ चार्जेस कंसिडरेशन देते हैं, उसको हम नॉन कम्पीट फीस कहते हैं। इश्यू क्या है, सिचुएशन क्या है कि डिपार्टमेंट इज एक्चुअली कंसिडरिंग टू टैक्स दैट नॉन कम्पीट फी। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है कि इंप्लॉयज लीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव और हम उसे कहते हैं कि भाई तुम हमारे कॉम्पिटिटर के पास ज्वाइन मत करना, उसके बदले में हम तुम्हें नॉन कम्पीट फीस देते हैं। दैट ऑल्सो डिपार्टमेंट इज आइंग That particular transaction shall be considered as supply of service, और उसको जो है supply of service मानकर 18% पर tax लगाने की बातें शुरू हो गई हैं। Rely कर रहे हैं वो Schedule 2 पर जो CGST Act 2017 के साथ है, उसमें para number 5 है और उसका sub clause है E, जहां पर लिखा है agreeing to the obligation or to refrain from an act or to do an act। अगर आप किसी काम को ना करने के लिए राजी हो जाते हैं और उसके बदले में कोई consideration लेते हैं तो वो supply of service है। उसको supply मानकर, सप्लाई ही मान लिया उन्होंने, उसको डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस मान रहे हैं वो, और उसको टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। सिचुएशन क्या होगी, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, बट इवन मैंने जब आईसीआई बैकग्राउंड मटेरियल देखा और शेड्यूल 2 को रिव्यू किया तो वहां पर उस क्लॉज सब क्लॉज ई में नॉन कम्पीट फी is being taken as an example for agreeing to the obligation to refrain from an act, वहां पर इस बात को इनकॉर्पोरेट किया है आईसीआई बैकग्राउंड मटेरियल में भी। नवंबर 2019 का बैकग्राउंड मटेरियल है। मुझे नहीं पता कि इसका कोर्ट ऑफ लॉ में क्या फेट होगा, बट एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो है, इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू टैक्स इट एट द रेट ऑफ 18%। आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन टुमारो, बट येस वाइल डिजाइनिंग द नॉन कम्पीट फी एग्रीमेंट्स टूडे वी नीड टू बी लिटिल मोर डिलीजेंट, but still whether that will pass the test of scrutiny of law or not I don't know, but yes this is a matter which would open the Pandora's box in terms of more acquisitions which are happening in the country, because wahin par zyada tar business acquisition ke case mein non compete fee jo hai ek tarah se consideration ke roop mein di jati hai। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। हमारे को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। हमारा चैनल टैक्स फॉर वेल्थ अब जो है ओटीटी नेट अपना अमेजॉन प्राइम और जियो टीवी पर भी अवेलेबल है, आप वहां भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।